जूनियर एडिट तथा एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों आ गया हूँ आप सबके सामने। विलियम शेक्सपियर ऑथर एंड देयर वर्क्स पे, ऑथर्स एंड देयर वर्क्स पर हमने अभी तक विलियम शेक्सपियर करवाया था, जो कि मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे थे। उसके बाद मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगते हैं और जिन ऑथर से या पोएट से क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, वो हैं विलियम वॉर्ड्सवर्थ। इसके पहले आपको मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी काफ़ी कुछ करा दिया है, जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और विलियम वॉर्ड्सवर्थ पे लेके आ गया हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चन मैं कराऊँगा, 50-50 दो बार में। और ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारा इन विलियम वॉर्ड्सवर्थ पर इस वीडियो का PDF चाहते हैं या और भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माय पेड चैनल विच इज़ वॉरियर्स जूनियर, विच इज़ नेम्ड एज वॉरियर्स जूनियर। अगर आप एलटी ग्रेड का हमारा लिटरेचर का कोर्स लेते हैं, तो उसके साथ आपका वॉरियर्स जूनियर का जो जूनियर एडेड का कोर्स है वो पूरी तरह से फ्री है। तो अगर आप एलटी ग्रेड का कोर्स, और एलटी ग्रेड में इस समय कंसेशन चल रहा है, हमारी फ़ीस जो नॉर्मल होती है लगभग 2500 के आसपास लिटरेचर की होती है, इस समय मात्र हम 1600 रुपये में एलटी ग्रेड के लिटरेचर की फ़ीस ले रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार मैसेज आता है कि सर मुझे सूचना नहीं दी गई, मुझे बताया नहीं गया। तो ये मैं क्लियर कट बता दूँ, वैसे भी मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो ये सारी बात जानते भी हैं। आइए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज द, रोमांटिक एज और किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ वॉर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। किस नाम से जाना जाता है? रोमांटिक एज, एज ऑफ वॉर्ड्सवर्थ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर, देखिए रोमांटिसिज्म जो इसके पहले जो था, जो चीज़ें थी नियोक्लासिसिज्म या बाकी चीज़ें थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी थी, बहुत ज़्यादा फॉर्मल ढंग से मीटर और स्टैंजा फॉर्म इन सब चीज़ों का प्रयोग होता था। लेकिन रोमांटिसिज्म का क्या मतलब हुआ? रोमांटिसिज्म स्टैंड फॉर इनफॉर्मेलिटी, मतलब लिखने में चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोएम्स हो उनमें क्या आई? इनफॉर्मेलिटी आई, अनौपचारिकता आई। तो रोमांटिसिज्म स्टैंड फॉर इनफॉर्मेलिटी। Who gave the romantic period the title of the Renaissance of Wonder in Poetry? ये TGT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जूनियर एडेड में पूछे जाने की संभावना है, प्रबल संभावना है, पूछा जा सकता है कि किसने रोमांटिक पीरियड को कविता के, मतलब कविता के लिए Renaissance of Wonder कहा, मतलब आश्चर्य का पुनर्जागरण कह दिया। Renaissance of Wonder मतलब Renaissance मतलब पुनर्जागरण। बहुत लोग गलत बोलते हैं रिनेसा, क्या क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है रिनेशंस ऑफ वंडर। रिनेशंस ऑफ वंडर किसने कहा? तो ये वाल्टर पीटर हो जाएंगे दोस्तों, थियोडोर वॉट्स हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? थियोडोर वॉट्स। इन्होंने क्या कहा? रिनेशंस ऑफ वंडर कहा। रोमांटिसिज्म को क्या कहा? रिनेशंस ऑफ वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बायरन इज अ, बायरन क्या है? रोमांटिसिस्ट हैं बायरन, चाहे वो कीट्स हो गए, बायरन हो गए, शैले हो गए, वॉर्ड्सवर्थ हो गए, ये सब क्या है? रोमांटिसिस्ट हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कब से शुरू हुई? तो 1789, ये डेट याद रखिएगा फॉर द जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, जूनियर एडेड वालों, एलटी वालों, चाहे वो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 1789 में स्टार्ट हुई। सीजन्स इज अ वर्क बाय, सीजन्स नाम का वर्क किसका है? ये थॉमसन का वर्क है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस ऐसे ही याद कर लीजिए इसको। Who wrote the lines? Bliss was it that in that down to be alive, but to be young was very heaven. Bliss was it in that down to be alive, but to be young was very heaven. ये लाइनें कहाँ की हैं? ये वॉर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं, और ये कहाँ से ली गई हैं ये आप देखिएगा, मुझे बताइएगा। Bliss was in that down to be alive, but to be young was very heaven. ये स्टेटमेंट वॉर्ड्सवर्थ का है, ध्यान में रखिएगा। लाइनें खासकर टीजीटी पीजीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जूनियर के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। विलियम वॉर्ड्सवर्थ हैज़ बीन अटैक्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इन द पोम, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम में वॉर्ड्सवर्थ पर आक्रमण करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए क्या कहा?
द लॉस्ट लीडर कहा, क्या कहा, द लॉस्ट लीडर उन्हें कहा, किसने कहा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा। द लिरिकल बैलेट्स इज रिटन बाय, ये वॉर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था, उनके साथ कॉलरिज भी थे, उनकी भी कुछ पोम्स थी, तो ये दोनों के द्वारा लिखा गया था। यहाँ ऑप्शन में वॉर्ड्सवर्थ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वॉर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स केम इन, कब आया लिरिकल बैलेट्स, 1798 में आया लिरिकल बैलेट्स, ध्यान में रखिएगा 1798, ये डेट नहीं भूलिएगा जूनियर एडेड वालों, ये गड़बड़ हुआ अगर तो इतना आसान क्वेश्चन है आप बाहर हो जाओगे एग्जाम से। द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इज मार्क्ड बाय, जो रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत किससे हुई, लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से, तो सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिरिकल बैलेट्स वर जॉइंटली प्रोड्यूस बाय वॉर्ड्सवर्थ एंड, अब लिरिकल बैलेट्स किसके किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, वॉर्ड्सवर्थ तो दे दिया पहले ही क्वेश्चन में, और उनके साथ कौन थे, अभी मैंने आपको पहले बताया भी कौन थे, कॉलरिज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों, लिरिकल बैलेट्स ओपन विद, लिरिकल बैलेट्स किससे शुरू होता है, किस फॉर्म से शुरू होता है लिरिकल बैलेट्स, कॉलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से शुरू होता है, बताया था कि वॉर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोम थी लिरिकल बैलेट्स में, तो शुरू किससे होता है, कॉलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से शुरू होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स एंड्स विद, किस पोम से एंड होता है, तो टिंटन अभी से एंड होता है, लिरिकल बैलेट्स की अंतिम पोम कौन सी है, टिंटन अभी है, ध्यान में रखिएगा, एलटी ग्रेड वाले भी ध्यान दें, लिरिकल बैलेट्स की पहली पोम और लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोम टिंटन अभी, तो पूरा का पूरा एलटी ग्रेड के सिलेबस में हमें पढ़नी पड़ेगी पोम, लाइन टू लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। तो लिरिकल बैलेट्स किससे समाप्त होता है, टिंटन अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों, वॉर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स केम आउट इन द ईयर, जो वॉर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है वो कब आता है, 1800 में आता है, 1800 में लिरिकल बैलेट्स आया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कब आया, 1800 में। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, हु सेड दिस, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पोएट्री वाले सेक्शन में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाले सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड के लिए और उसके साथ साथ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जूनियर एडेड के लिए, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए, कुछ प्रश्न होते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, कुछ प्रश्न सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, शैले हो जाएगा, बी ऑप्शन। फ्लैशिंग आईज एंड फ्लोटिंग हेयर, दीज लाइन्स अकर इन, फ्लैशिंग आईज और फ्लोटिंग हेयर, ये दो मतलब फ्रेजेज हैं, ये कहां पर आते हैं, फ्लैशिंग आईज एंड फ्लोटिंग हेयर कहां आते हैं, ये कुबला खान में आते हैं, कुबला खान किसकी रचना है कमेंट में बताइएगा मुझे। विलियम वॉर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन, 1770 में जन्म हुआ विलियम वॉर्ड्सवर्थ का, डेथ कब हुई कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं, अगर नीचे दिया है एक प्रश्न और है तो बात अलग है, नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉर्ड्सवर्थ सिस्टर, डोरोथी था इनकी बहन का नाम, क्या नाम था, डोरोथी, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉर्ड्सवर्थ सिस्टर, डोरोथी इनकी बहन का नाम डोरोथी था। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड इन 1800, ये याद रखिएगा, फर्स्ट वॉल्यूम 1798, सेकेंड वॉल्यूम 1800। विलियम वॉर्ड्सवर्थ गॉट मैरिड इन टू हिज कजिन मेरी हचिंसन इन द ईयर 1802 में, इनकी शादी हुई, कब हुई, 1802। रेजले कैलबर्ट, यंग फ्रेंड ऑफ वॉर्ड्सवर्थ, लेफ्ट हिज लेगेसी ऑफ, जो रेजले कैलबर्ट थे, युवा दोस्त थे वॉर्ड्सवर्थ के, उन्होंने अपनी जो लेगेसी है, विरासत है, कितने की छोड़ के गए थे ये, 900 पाउंड की लेगेसी छोड़ के गए थे इन्होंने वॉर्ड्सवर्थ के लिए दे दी थी। विलियम वॉर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट इन द 1843 में, पोएट लॉरिएट बने विलियम वॉर्ड्सवर्थ, इनके पहले कौन बना और इनके बाद कौन बना आप बताइएगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनके लिहाज से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वॉर्ड्सवर्थ के पहले कौन थे, वॉर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद कौन पोएट लॉरिएट हुआ, याद में रखिएगा और मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। 1843 में विलियम वॉर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने। वॉर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन सक्सेशन टू, आ ही गया क्वेश्चन खैर, साउदे।
इन सक्सेशन टू साउदे, साउदे के बाद विलियम वाट्सवर्थ बने। मैं सोच रहा था क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन वसुंधरा मैम ने इस क्वेश्चन को भी पुटअप किया है यहाँ। वाट्सवर्थ डाइड ऑन, कब इनकी डेथ हुई? 24 अप्रैल 1850 है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या ये 23 अप्रैल 1850 है। मेरे ख्याल से 23 अप्रैल 1850 होनी चाहिए थी, ये वाली डेट चेक कर लीजिएगा। ये नहीं कि बाद में बिना पढ़े ठीक से कमेंट करने लगिए कि सर ये आप बताइए, इस क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। एक बार गूगल कर लिया कीजिए कि वाट्सवर्थ के डेथ ऑफ वाट्सवर्थ, मेरे ख्याल से 23 अप्रैल 1850 होगा। यहाँ पर जिस भी सोर्स से हमने ये लिया है ये गलत दिया हुआ है। तो वाट्सवर्थ की डेथ की जो डेट है 23 अप्रैल 1850 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे सी ऑप्शन ही होगा, लेकिन 24 अप्रैल की जगह 23 अप्रैल हो जाएगा। वाट्सवर्थ रिमाइंड्स अस ऑफ, वाट्सवर्थ हमें किसकी याद दिलाते हैं? चौसर, स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन पे लिखा है इन्होंने, तो मिल्टन की हमें याद दिलाते हैं। वाट्सवर्थ वी इंस्पायर्ड बाय, वाट्सवर्थ किसके द्वारा इंस्पायर्ड थे या वाट्सवर्थ हमें किससे इंस्पायर्ड करते हैं? नेचर। हु इज नोन एज द प्रीस्ट ऑफ नेचर, विलियम वाट्सवर्थ को ही प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा, ये थोड़ा सा डेप्थ हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा इस पर वीडियो। वाट्सवर्थ रियलाइज दैट द लव नेचर इज टू लव नेचर इज टू लव मैन, अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तभी आप इंसान से प्यार कर सकते हैं। वाट्सवर्थ रियलाइज दैट टू लव नेचर इज टू लव मैन, वन इंपल्स फ्रॉम द वर्नल वुड मे बी मोर ऑफ मैन, दीज आर द वर्ड्स ऑफ वाट्सवर्थ। कहां से ली गई है? टेबल टर्न से ली गई है। अब मुझे बताइएगा देख के कि वन इंपल्स फ्रॉम द वर्नल वुड बार बार पूछी गई है ये लाइनें, ध्यान में रखिएगा। द स्टार्स ऑफ मिड नाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, हु इज शी इन द लाइन्स। कि जो स्टार्स ऑफ मिड नाइट शैल बी डियर टू हर, जो रात्रि के मध्य रात्रि के सितारे होंगे, जो तारे होंगे वो उसे बहुत पसंद आएंगे। शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लर्न हर लीन हर ईयर टू मेनी सीक्रेट प्लेस। वो जंगल में रहेगी तो बहुत सारे ऐसी जगह पे जो लीन वो अपने कानों को लगाएगी, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल शांति है वहाँ भी वो कान लगा के कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हर शब्द किसके लिए आया है? लूसी के लिए आया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लूसी पोम से वो लाइनें हैं। द अबव पोएटिकल लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, जो पोएटिकल लाइन है ये जो लाइन है ये लाइन द स्टार्स ऑफ मिड नाइट शैल बी डियर टू हर, तो उसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है। द अबव पोएटिकल लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, 3 इयर्स सी ग्रू से ली गई हैं। लूसी पोएम्स के अंतर्गत कई पोएम आती हैं, 5 पोएम, उनमें से एक पोएम है 3 इयर्स सी ग्रू, ठीक है। तो जो ऊपर की लाइनें हैं क्वेश्चन नंबर 31 की जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? 3 इयर्स सी ग्रू से ली गई है। 3 years she grew is the subtitle of education of nature, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी। 3 years she grew किसका subtitle है? education of nature का subtitle है, मतलब एक नाम education of nature भी है 3 years she grew का, ये ध्यान में रखिएगा। How many stages were there in the development of Wordsworth's love for nature, Wordsworth के प्रति के जो प्रकृति के प्रति प्रेम कि कितने स्टेज आए, जैसे होता नहीं स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, तो कितने स्टेज की वर्णन किया है इन्होंने? टिंटन अबे में वर्णन किया है 3 स्टेजों का, प्रकृति के प्रति अपने प्रेम के 3 स्टेज का वर्णन वाट्सवर्थ ने किया है। द स्टेजेज ऑफ वाट्सवर्थ लव फॉर नेचर इज एक्सप्रेस्ड क्लियरली इन, जो स्टेज है वाट्सवर्थ का प्रकृति के प्रति प्रेम वो क्लियर कट किस में मेंशन, तो टिंटन अबे में भी है लेकिन क्लियर कट बहुत डिटेल्ड वे में कहाँ मेंशन है? ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में मेंशन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इमोर्टेलिटी ओड इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई? वाट्सवर्थ द्वारा। जूनियर एडेड वाले ध्यान दें, आसान आसान क्वेश्चन गलत होंगे तब प्रॉब्लम होगी। पिक आउट द स्ट्रेंजर शेली कीट्स ब्राउनिंग बायरन, इसमें से स्ट्रेंजर कौन है? ब्राउनिंग है। शेली कीट्स बायरन की बात करें, ब्राउनिंग की बात करें, तो फिर इसमें से 3 रोमांटिसिज्म वाले हो जाएंगे। ब्राउनिंग रोमांटिक एज से उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते।
जितना ये तीनों रखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज वाट्सवर्थ लव फॉर नेचर वॉज लाइक अ चाइल्ड। पहली स्टेज में जो उनके नेचर प्रकृति के प्रति प्रेम के पहले स्टेज में वाट्सवर्थ का नेचर के प्रति प्रकृति के प्रति प्यार कैसा है, बच्चे की तरह, लाइक अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक लाइक अ यंग मैन पैशन फॉर हिज बिलवेड, दिस इज डैश ऑफ वाट्सवर्थ लव फॉर नेचर। सेकेंड स्टेज, लव लाइक अ यंग मैन्स पैशन, सेकेंड स्टेज में कैसे आया, जिस प्रकार कोई युवा व्यक्ति किसी से प्यार करता है उस तरह का प्यार हो जाता है वाट्सवर्थ का प्रकृति के प्रति सेकेंड स्टेज में। पहले स्टेज में बच्चे की तरह रहता है, जैसे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंडिंग कटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, विच स्टेज इज बीन हियर इन द लाइन्स। साउंडिंग कटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, यहाँ पे किस वाट्सवर्थ के प्रकृति के प्रति किस स्टेज की बात की जा रही है, तीन स्टेज हैं। तो साउंडिंग कटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, विच स्टेज इज बीन सीन हियर इन द लाइन्स। सेकेंड स्टेज यहाँ पर है, ये जो लाइनें हैं ये सिग्निफाई कर रही हैं कि सेकेंड स्टेज की बात यहाँ हो रही है। एक्टिंग जॉयज एंड डिजी रैप्चर शोज वाट्सवर्थ विद विच स्टेज ऑफ लव फॉर नेचर। जो एक्टिंग जॉयज है, डिजी रैप्चर्स हैं, ये जो ये शब्द आते हैं टिंटन अबे में शब्द आते हैं, एक्टिंग जॉयज और डिजी रैप्चर्स शोज वाट्सवर्थ विच स्टेज ऑफ लव फॉर नेचर। ये इसमें वाट्सवर्थ के जब इस तरह कहते हैं एक्टिंग जॉयज डिजी रैप्चर, तो किस स्टेज की बात करते हैं, थर्ड स्टेज की बात करते हैं। Whose dwelling is the light of setting scenes? Whose refers to? Whose dwelling is the light of setting scenes? यहाँ पे whose किसके लिए आया है, God के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है, ये जूनियर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, TGT PGT के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। A long comprehensive poem by Wordsworth is Recluse, C option। Long comprehensive poem कौन सी है, Recluse है, जो कि पूरी नहीं हो पाई। Recluse is a long comprehensive poem by Wordsworth, has two parts, prelude और दूसरा part excursion। Every great poet is a teacher, whose words are these? ये Wordsworth के words हैं, Wordsworth के शब्द हैं कि अभी great poet is a teacher। सीमन ली इज द क्रिएशन ऑफ वाट्सवर्थ की रचना है सीमन ली, याद रखिएगा जूनियर एडिट वालों, जो चाहे इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी हो याद रखना है, टिंटन अभी याद रखना है, बॉर्डर्स याद रखना है, बहुत सारी रचनाएं ड्रामा जो वाट्सवर्थ द्वारा लिखा गया है वो आपको दिमाग में रखना है। तो सीमन ली किसकी रचना है, वाट्सवर्थ की। द इडियट बॉय इज द वर्क ऑफ वाट्सवर्थ, इडियट बॉय भी वाट्सवर्थ की रचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वाट्सवर्थ, इसमें से कुबला खान वाट्सवर्थ द्वारा नहीं लिखी गई है, VR7 वाट्सवर्थ की रचना है, द थॉर्न है, गुडी ब्लैक भी वाट्सवर्थ द्वारा लिखी गई है लेकिन कुबला खान वाट्सवर्थ द्वारा नहीं लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है कॉमेंट में बताइए दोस्तों। हैरी गिल इज अ पोएम बाई वाट्सवर्थ, हैरी गिल भी वाट्सवर्थ द्वारा पोएम लिखी गई। पीटर बेल इज रिटन बाई द ऑथर ऑफ ओड टू ड्यूटी, पीटर बेल किसके द्वारा लिखी गई, उसी के द्वारा लिखी गई जिसने ओड टू ड्यूटी लिखी, और ओड टू ड्यूटी किसने लिखी, नन अदर दैन विलियम वाट्सवर्थ ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों, खैर प्रश्न समाप्त हो गए चूंकि 50 प्रश्न ही थे, और ये 50 क्वेश्चंस आप तुरंत तैयार कर लीजिएगा, इसमें से एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि जूनियर के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, उसे मैंने क्लियर कट बता दिया है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जूनियर एडिट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वाट्सवर्थ से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वाट्सवर्थ से क्वेश्चन आने तय हैं ऑथर्स एंड देयर वर्क्स में, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक इंस्पिरेशन होती है यूट्यूब पर वीडियो डालने की। आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल।